गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल है पीआर प्रशांतो। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। जितने भी लोग हैं प्लीज़ दोस्त, हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो की मज़ा लीजिए। देख तो फ्रेंड, हम लोग न्यू फ्रेंड के साथ में आज मैं एक और ब्लॉग में करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को वेलकम जाना रहा हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग में कुछ नए आइटम देखने को मिलेगा जो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए। और हम लोग थोड़ा शूटिंग करने भी आया यहाँ पे, जिसका वही फ्रेंड आ गए, पुरानी फ्रेंड आज नहीं आया क्योंकि उन लोगों का थोड़ा काम वगैरह है। चलते फिर स्टार्ट करते हैं। मेरी दोस्त आप बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा क्या नशा है? लड़की का, लड़की का सबसे बड़ा नशा होता है भाई। लड़की का शौक नहीं होता, सबसे ज्यादा पैसे का होता है, क्योंकि जिसकी जेब में गांधी उसके प्यार में आंधी। तो आप बताइए, सबसे ज्यादा नशा पढ़ाई में होता है। अगर मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत नशा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक एक दोस्त को एक एक कहना है, लेकिन सबसे बड़ा नशा ये है जे प्यार मोहब्बत का। सब नशा तो छूट सकते, ये नशा मरने तक नहीं छूटते। मरने के बाद भी इंसान इसी में ही पागल रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्यार। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना प्लीज़। हम लोग बड़ा ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट करने वाला तो पूरा जिला में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे जगह में रहता हो जहाँ पे एक भी आदमी ढंग का कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई थोड़ा मत कोई ही नहीं है, पूरा जिला में नहीं है, क्योंकि पूरा क्षेत्र में तो किसी को ही नज़र नहीं आता यार। हम स्टार्ट करा है हमारी न्यू फ्रेंड के साथ, तो आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए जो कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं और हमारी हमें देखे और लोग भी मतलब नए चैनल खोल भी सकते और हमारी वीडियो देख के सब लोग इंजॉय भी कर रहा है। और हम चाह रहा हूँ कि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, काम छोड़ छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। कैसे बताऊँ आप लोगों को भाई, कितनी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा भाई, ये गर्लफ्रेंड छोड़ के वीडियो बना रहा है, और ये पीछे जो लोग है ये अपना दुकान छोड़ छोड़ के बड़े मेहनत के बाद ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है। और देखो सबकी काम होता है, काम का वजह से इंसान इधर उधर वीडियो भी बना नहीं पाता है, क्योंकि काम की वजह से ही तो बहुत दिक्कत होता है। कोई भी वीडियो बनाने के लिए अगर दूर चले तो पूरा काम ख़राब हो जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग भी वीडियो शूट कर रहा हो। तो फ्रेंड, जितनी मेहनत आप लोगों को होता है इतनी मेहनत हम लोगों को भी होता है। तो फ्रेंड, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को सपोर्ट से ही हम लोग आगे पहुँच पाएंगे। तो फ्रेंड, इसी बात में अपना वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ